स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं विद्युतीय अपघटन या विद्युतीय विच्छेदन के बारे में, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में हमने चर्चा की कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रसायन शास्त्र का वह ब्रांच है, वह शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं रासायनिक ऊर्जा और विद्युतीय ऊर्जा के बीच परस्पर संबंधों का। तो यहाँ दो बातें होती है, एक विद्युतीय ऊर्जा के बदौलत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराना, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युतीय ऊर्जा का उत्पादन। तो हम लोग जिस प्रोसेस की चर्चा करने जा रहे हैं वो पहला प्रोसेस है, यानी विद्युतीय अपघटन या विच्छेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। यानी विद्युतीय अपघटन या विच्छेदन वह प्रक्रिया है जिसे विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा रासायनिक विघटन अभिक्रिया को अपघटन भी कहते हैं संपन्न होती है। जिस पात्र में यह अभिक्रिया संपन्न होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ध्यान देंगे, जिस पात्र में यह प्रोसेस संपन्न होगा उसे हम लोग कहेंगे विद्युत अपघटनी सेल, इसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज डन बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करेंट। द वेसल इन विच प्रोसेस इज डन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। विद्युतीय अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया इसे बाहर से विद्युत धारा देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में चूंकि कुछ टूटता है और जो टूटता है वो होता है वैद्युत अपघट, इसकी भी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो आयनों में विघटित होते हैं या टूटते हैं उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघट, या फिर उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। चूंकि यहाँ कुछ टूटता है, कुछ विघटित होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग अपघटन कहते हैं, विघटन कहते हैं, और विद्युत धारा के प्रवाह से संपन्न होता है प्रक्रिया, इसलिए इसे हम लोग विद्युतीय अपघटन कहते हैं। द्रवीभूत यानी मोल्टेन NaCl का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये सबसे पहले टूटता है Na+ में और Cl- में, विद्युतीय अपघटन है। और NaCl एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वे पदार्थ जो आयन में टूटते हैं। और सोडियम और क्लोरीन यहाँ दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ जो NaCl है उसमें क्यों सोडियम Na+ और क्यों Cl-, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन NaCl इलेक्ट्रोलिसिस के फलस्वरूप टूटता है Na+ में और Cl- में। इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोसेस होते हैं जिस पात्र में संपन्न कराए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल या विद्युत अपघटनी सेल। इसमें धातु के दो प्लेट होते हैं, एक प्लेट जिसे हम लोग बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं कैथोड, एक दूसरा प्लेट जिसे हम लोग धन ध्रुव से जोड़ते हैं उसे कहते हैं एनोड। वैद्युत अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ सॉल्यूशन या फिर किसी मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम लोग द्रवीभूत या मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये टूटता है Na+ और Cl- में। जब बात करते हैं हम लोग कैथोड की, तो कैथोड पर यह इलेक्ट्रॉन लेकर के, कैथोड यहाँ निगेटिव इलेक्ट्रोड है, वहां इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम डिपोजिट कर जाता है और Cl- Cl2 गैस के रूप में लिबरेट करता है एनोड पर जाकर और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। और ये दोनों रिएक्शन जो होते हैं इसमें यहां होता है रिडक्शन यानी अवकरण और यहां होता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कैथोड पर रिडक्शन यानी अवकरण की प्रक्रिया होती है और एनोड पर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। क्यों ये रिडक्शन क्यों ऑक्सीडेशन, इसको भी संक्षेप में हम लोग समझ लें। रिडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है या मुक्त होता है। यहाँ इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन चूंकि रिलीज हुआ, मुक्त हुआ, इसलिए ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जुड़ा इसलिए रिडक्शन यानी अवकरण। और इलेक्ट्रोलिसिस की इस प्रक्रिया में जो दो ध्रुव होते हैं, जो दो छोर होते हैं, एक पॉजिटिव ध्रुव दूसरा निगेटिव ध्रुव, तो पॉजिटिव छोर को यहाँ एनोड कहते हैं जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, निगेटिव को यहाँ कैथोड कहते हैं यहाँ रिडक्शन होता है। वैद्युत अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ मोल्टेन रूप में या सॉल्यूशन के रूप में इस्तेमाल होता है और जिस बर्तन में पूरा प्रोसेस संपन्न कराया जाता है उसे हम लोग विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। अब विद्युतीय अपघटन के उपयोग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अलग से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि विद्युतीय अपघटन की प्रक्रिया के प्रमुख उपयोगों का वर्णन करें, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलिसिस का, इसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इस प्रकार से पूछा जाता है राइट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हम लोग शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन में। पहला एप्लीकेशन धातुओं के शोधन में, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। जब कभी मेटलर्जी के दौरान धातुओं को शुद्ध करना होता है तो सबसे ज्यादा जो मेथड अप्लाई किया जाता है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इस मेथड में करते क्या है,
इम्प्योर धातु यानी अशुद्ध धातु को हम लोग एनोड बनाते हैं, यानी बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं, थोड़ा सा शुद्ध या प्योर मेटल कहीं से ले लेते हैं और उसे हम लोग कैथोड यानी बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़कर कैथोड बना देते हैं। वैद्युत अपघट या इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उसी धातु के लौन का इस्तेमाल करते हैं या साल्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हमें शुद्ध करना होता है। उदाहरण के तौर पे यदि हमें तांबा को शुद्ध करना हो तो यहाँ तांबा का साल्ट लेंगे, यदि हमें चांदी को शुद्ध करना हो तो चांदी का साल्ट लेंगे, यदि सोने को शुद्ध करना हो तो सोने का साल्ट लेंगे, या जिस मेटल को हमें शुद्ध करना हो, प्योर करना हो, उसके साल्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो धातुओं के शोधन के दौरान उसे जो इलेक्ट्रोलिसिस अपनाते हैं उसमें होता क्या है, बैटरी के धन ध्रुव से हम लोग जोड़ते हैं इम्प्योर मेटल यानी अशुद्ध धातु को और थोड़ा सा शुद्ध धातु लेकर के हम लोग उसे कैथोड बनाते हैं। जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं वैद्युत अपघट से प्योर धातु आकर इसके ऊपर डिपोजिट करने लगता है, धीरे धीरे पूरा अस्तर मोटा होने लगता है या एक लेयर जमने लगता है और ये लेयर जमते जमते पूरा ये प्रोसेस के दौरान जो प्योर मेटल्स हैं इस कैथोड पे आकर डिपोजिट कर जाते हैं। जितने भी इम्प्योर मेटल्स थे इनमें से प्योर आयंस मेटल्स आयंस इस सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन से यहाँ तक आते हैं और यहाँ का डिपोजिट कर जाते हैं। अंततः इस पूरे प्रोसेस के बाद यहाँ केवल और केवल इम्प्यूरिटी बचती है, यानी धातुओं के शोधन के दौरान हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। विद्युतीय लेपन में एक दूसरा उपयोग है, विद्युतीय लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या चीज, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि चांदी के गहनों पर सोने का लेप चढ़ाना या फिर प्लेटिनम का लेप चढ़ाना या फिर लोहे के जो को मेटल्स के जो भी रड हैं या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते का लेप चढ़ाना, ये विद्युतीय लेपन कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस का यहाँ इस्तेमाल होता है। करते क्या है, जिस धातु का लेप चढ़ाना होता है उसका एनोड बनाते हैं और जिस पर लेप चढ़ाना होता है उसका कैथोड बनाते हैं। जिस धातु का एनोड होता है उसी के साल्ट को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हमें लोहे पर जस्ते का लेप चढ़ाना है तो लोहे का कैथोड बनाएंगे, जस्ते का एनोड बनाएंगे और जस्ते के ही साल्ट को हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेंगे। अंततः पूरे प्रोसेस के बाद जो हमारा कैथोड है इसके ऊपर एक पतला लेयर जमने लगता है उस मेटल का जो एनोड का बना होता है और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के जो इस प्रोसेस है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से प्लेट करना या फिर उसका एक स्तर चढ़ाना, विद्युतीय लेपन, विद्युत के माध्यम से लेप चढ़ाना। बहुत सारे जो वाहन होते हैं उनके ऊपर भी आजकल इसी प्रोसेस के माध्यम से पेंटिंग का कार्य किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से ही, और ये पेंटिंग के जो प्रोसेस होते हैं, विद्युतीय लेपन के जो प्रोसेस होते हैं, काफ़ी टिकाऊ भी होते हैं। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जो ये प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसे एक अलग से भी नाम दिया गया है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। इसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वह है धातुओं का तुल्यांक भार ज्ञात करने में, इंडिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल्स। धातुओं का तुल्यांक भार हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने पहले भी चर्चा की, इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड एनोड दोनों होते हैं, तो एक जगह कैथोड या एनोड में से हम उस धातु का प्रयोग करते हैं जिसका हम लोग इक्विवेलेंट वेट जानते हैं और दूसरा वो इस्तेमाल करते हैं जिसे हमें ज्ञात करना होता है। जब इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कराते हैं तो कराने से पहले और बाद में दोनों के हम लोग द्रव्यमान को मेजर कर लेते हैं, जो अंतर हुआ वो डिपोजिटेशन की मात्रा हो गई। तो फॉर्मूला होता है पहले धातु की मुक्त मात्रा बटा दूसरे धातु की मुक्त मात्रा, जो अंतर आया पहले और दूसरे धातु में उसको हम लोग यहाँ नोट कर लिए, पहले धातु का तुल्यांक भार बटा दूसरे धातु का तुल्यांक भार, यानी इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग वैल्यूएशन ज्ञात करते हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक का तुल्यांक भार हम लोग जान रहे होते हैं, डिपोजिशन की मात्रा दोनों की पता है, इसे जिसका नहीं जानना है उसका तुल्यांक भार या समतुल्य भार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। वेट ऑफ फर्स्ट मेटल डिपोजिटेड बाई वेट ऑफ सेकेंड मेटल डिपोजिटेड बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट मेटल बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड मेटल। अगला जो इस प्रक्रिया का प्रमुख उपयोग है वो है विद्युतीय लेखन में, इन इलेक्ट्रोटाइपिंग। इलेक्ट्रोटाइपिंग फोटो स्टेट या फिर इलेक्ट्रिक प्रिंटर को आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ हम लोग इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। करते क्या है, सर्वप्रथम मोम को सांचे में ढाल लेते हैं और उसके बाद उसे हम लोग कार्बन के चून के पतले तह से ढक करके और उसके ऊपर कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन डाल देते हैं, फिर से सुखा लेते हैं। यह जो पूरा प्रोसेस है यह कैथोड का कार्य करता है, इसे हम लोग कांच के एक भारी ब्लॉक से ढक देते हैं ताकि जिस तरह से मुहर की प्रक्रिया होती है वहाँ पर वैसी प्रोसेस को संपन्न हो सके। इसके अलावा एक तांबे के रड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वह रड एनोड का कार्य करती है। जैसे ही विद्युत धारा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग कागज प्लेन कागज इस्तेमाल करते हैं उसके जगह पर विद्युतीय जो यहाँ टाइपिंग की प्रक्रिया है, मुद्रण की प्रक्रिया है,
वो संपन्न होती है, यानी विद्युतीय लेखन की प्रक्रिया में भी इस प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं।